बी रेडी। 5 सेकेंड्स, स्टार्ट। मिस्टर वाइस चेयरमैन सर, द सेंट्रल क्वेश्चन ऑफ सिक्योरिटी इन ए सोसाइटी अमंगस्ट पीपल इन नेशंस रिक्वायर्स दैट वी बी वेरी क्लियर एज टू वॉट वी मीन व्हेन वी यूज द वर्ड्स नेशनल सिक्योरिटी। नेशनल सिक्योरिटी हैज़ मैनी रेमिफिकेशंस। इट वुड बी सिंप्लिस्टिक टू रिड्यूस इट टू प्योरली द मिलिट्री एंगल। ए डिस्कशन लाइक दिस इज नॉट ए डिस्कशन विच लिमिट्स इट्सेल्फ टू द कंसेप्ट ऑफ स्पेंड मोर स्पेंड लेस ऑन डिफेंस। लाइक इन द रिलेशनशिप बिटवीन लॉ एंड जस्टिस इट इज नॉट एक्जियोमेटिक दैट मियरली बिकॉज वी स्पेंड मनी एंड हैव फोर्सेस देयरफोर वी हैव सिक्योरिटी। द कंसेप्ट इज ऑफ डीप एंड मल्टी फेसिड रेमिफिकेशंस। आई वुड सीक योर इंटेलिजेंस सर टू कोट ऑन द एस्पेक्ट्स ऑफ नेशनल सिक्योरिटी सर द कॉमनली आर्टिकुलेटेड डिफेंस मिनिस्ट्रीज व्यू पॉइंट एज इज एविडेंट एवरी ईयर इज द डिफेंस बजट इज टू प्रिजर्व एज इनवायलेट द फ्रंटियर्स ऑफ द नेशन एंड इट्स इंटरनल सोवरेनिटी। दिस इज द कॉमनली आर्टिकुलेटेड डेफिनेशन ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। टू माई माइंड दिस इज लिमिटेड बोथ इन विजन एंड इन एप्लीकेशन। ऑफ कोर्स द मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सोवरेनिटी इन वेरी मच ए फंक्शन ऑफ आवर आर्म्ड फोर्सेस। बट नेशनल सिक्योरिटी इज नॉट मियरली द प्रिजर्वेशन ऑफ द टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ आवर फ्रंटियर्स। नेशनल सिक्योरिटी इन्वॉल्व्स द प्रिजर्वेशन ऑफ वैल्यूज द लाइफ स्टाइल एंड सिविलाइजेशनल कंसर्न। द प्योरली मिलिट्री एस्पेक्ट ऑफ ए नेशंस सिक्योरिटी इज देयरफोर ओनली ए स्मॉल बट एन इंटीग्रल कंपोनेंट ऑफ ए मच लार्जर कंसर्न। एंड इवन इंटरनली द टास्क इज मच मोर देन ए मियर फिजिकल सेफ गार्डिंग ऑफ आवर बाउंड्रीज। आवर सेंट्रल कंसर्न व्हेन वी टॉक अबाउट सिक्योरिटी इज विद द प्रिजर्वेशन ऑफ द इंडियन नेशन एंड अंटिल वी आर क्लियर अबाउट द कोर वैल्यूज ऑफ आवर नेशनहुड एंड आर एबल नॉट ओनली टू आर्टिकुलेट देम बट ऑल्सो टू ऑब्टेन ए नेशनल कमिटमेंट टू देम वी वुड नॉट इवन नो वॉट इट इज दैट वी आर अटेम्प्टिंग टू प्रोटेक्ट और टू सिक्योर। दीज कोर वैल्यूज मे वेल बी डिस्ट्रॉयड इफ द नेशन इज सब्जेक्टेड टू एक्सटर्नल एग्रेशन। बट इन टूडेज वर्ल्ड एग्रेशन और इम्पीरियलिज्म हैज़ मैनी रेमिफिकेशंस। इट इज ए फाइनली सोफिस्टिकेटेड वेपन एंड इट नीड नॉट नेसेसरिली रिफ्लेक्ट इट्सेल्फ मियरली इन द फॉर्म ऑफ फिजिकल एग्रेशन। देयरफोर व्हेन वन इज टॉकिंग ऑफ नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न्स वन इज टॉकिंग ऑफ द मिलिट्री एंगल वन इज टॉकिंग ऑफ द इंडस्ट्रियल एंगल। इट इज माई बिलीफ सर दैट द मोस्ट वाइटल कंपोनेंट इन टू ए नेशंस सिक्योरिटी एफर्ट इज इंटरनल। इफ द इंटरनल फैब्रिक इज वीक इफ द इंटरनल थॉट इज लूज देन नो अमाउंट ऑफ मिलिट्री स्पेंडिंग विल प्रोवाइड टू द नेशन द सिक्योरिटी दैट इट इज सीकिंग। देयर इज ए लिमिटेशन ऑफ टाइम। आई डू विश टू कम टू सब्सटेंसिव पॉइंट्स। माई रिजोल्यूशन टॉक्स ऑफ डिटीरियोरेटिंग सिक्योरिटी एनवायरमेंट आई शैल सबमिट थ्रू हिस्ट्री एंड इन ए वेरी रियल जियो स्ट्रेटेजिक सेंस दैट देयर आर थ्री कंपोनेंट्स थ्री स्ट्रेटेजिक कंपोनेंट्स इफ वन इज टॉकिंग ऑफ द एक्सटर्नल सिक्योरिटी टू दिस नेशंस सिक्योरिटी। दीज थ्री कंपोनेंट्स आर द बफर ऑफ टिबेट द बफर ऑफ अफगानिस्तान
and the buffer of the Indian Ocean. The very structuring of this peninsular subcontinent is such that it is bound by the Himalayas, which provide a kind of protection, and it is encircled by the Indian Ocean, which provides us protection from aggression across the seas. It is my sad duty to point out to this nation, to this house, and through the house to whosoever is hearing this, that independent India's history of our efforts at preservation of even the territorial integrity of our country do not stand up to scrutiny. In the 40s, we accepted the biting of a portion of Jammu and Kashmir. In the 50s, we accepted the elimination of the buffer of Tibet. We went on, and in the 60s, we accepted the biting of the high tops of the Aksai Chin in the 60s itself, and as continued through the 70s, we accepted a diminution of our presence in the Indian Ocean. Through independent India's history, therefore, I do submit that what we have witnessed is not a kind of success, not an account of the preservation of the nation's security interests. We are well aware that around us in the South Asian region are centered focal points of conflict in Southwest Asia, in Southeast Asia, in the West Asia region, and these focal points of conflict, these focal points of strife do affect on our security concerns. I was talking about the implications of strife outside our territorial boundaries, and we have to understand that living in the kind of interdependent world that we are, what happens outside the geographical boundaries of our nation does not isolate us from the impact of it. We have to take into account that in today's situation, what India is faced with is the elimination of all its traditionally recognized and historically established buffers, which provided us with the needed security. On top of that is the existence of grave disturbances, grave destabilization in regions of Southeast Asia, so far as the oceanic focal points are concerned in the world today.